गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सबर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इवनिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूं, आपको बता दूं कि रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडियक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। और इस रीडिंग को आप अपने क्रश के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी देख सकते हैं। ओके माई लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और कार्ड्स आए हैं सिज़ोफ्रेनिया, मॉरेलिटी, फ्रेंडलीनेस, हीलिंग, स्लोइंग डाउन एंड अवेयरनेस। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज नज़र आ रही हैं जो इंसान आपके बारे में बात करते हैं कि ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी सीरियस होते जा रहे हैं। इस पर्सन को डर है किसी अदर पर्सन का, आप दोनों के बीच में जो दूरियाँ बढ़ रही हैं, ये पर्सन इन दूरियों को मिटाना चाहते हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं यहाँ पर नज़र भी आ रही हैं, पर यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई अदर पर्सन है जो रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई अदर पर्सन आ रहा है, इसीलिए ये पर्सन आज शाम अपने फ्रेंड से आपके बारे में बातें कर रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो आप हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर सिज़ोफ्रेनिया के कार्ड को देखकर कि आप दोनों के बीच में जो खाई बन रही है, आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, जिसकी वजह से आपका पर्सन काफ़ी चिंतित नज़र आ रहा है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं डर सता रहा है इससे पहले कि आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा गैप पड़ जाए कि ये पर्सन आपको पा ही नहीं सके, तो ये पर्सन जल्दबाजी में कोई ना कोई एक्शन लेने का सोच रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो अदर पर्सन इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, जो आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है, जो आप दोनों के इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो आप दोनों की दोस्ती है उसमें दरार डालने की कोशिश कर रहा है, तो इससे पहले कि वो इंसान इस पर्सन के सीक्रेट आपके सामने लेकर आए, इससे पहले ये पर्सन आपको पा लेना चाहता है, यानी अपना बनाकर ये पर्सन आपको अपने फेवर में लेकर आपका ट्रस्ट जीत कर कुछ बताएगा। यानी कि जो कुछ भी इस पर्सन की लाइफ में हुआ है, ये पर्सन चाहता है कि पहले आपको अपने फेवर में ले ले अच्छे से, ताकि आप इस पर्सन की बातों को समझ सकें, और जब इस पर्सन के बारे में कुछ पता चले ना आपको, तो आप उस तरह रिएक्ट नहीं करें जिस तरह से आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को किसी बात का डर है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड है। साथ ही मॉरेलिटी का कार्ड का आना इस बात की तरफ ही संकेत है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो इस पर्सन ने अपने दिल में दबा रखा है, और बहुत कुछ सामने आने का डर इस पर्सन को है। तो कहीं ना कहीं ये डर में है, इस पर्सन को डर है अपने बारे में जो कुछ भी इस पर्सन ने आपसे अगर छुपाया है तो वो सामने ना आए, इससे पहले नहीं आए जब तक ये पर्सन आपको अपना नहीं बना लेता। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन सोचता हुआ नज़र आ रहा है और अपने फ्रेंड से बातें भी करता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर सिज़ोफ्रेनिया मॉरेलिटी के कार्ड के साथ साथ हमारे पास फ्रेंडलीनेस एंड हीलिंग के कार्ड हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की अभी हीलिंग भी इनकम्प्लीट है, ये पर्सन खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है। आपके साथ में रहकर जिस रिश्ते को ये पर्सन महसूस कर रहा है ना, आपके लिए जो फीलिंग्स महसूस कर रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब इस पर्सन को कुछ बदलना है, अपने में कुछ चेंजेस लाने हैं, कोई बैड हैबिट है, कुछ ना कुछ ऐसा है इस पर्सन की लाइफ में, या इस पर्सन के दिल में इतना दर्द है कि इस पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, तो ये अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, उस दर्द से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का ये जो रिश्ता है ना, इन फ्यूचर बहुत खूबसूरत हो सकता है, आप दोनों की दोस्ती बहुत खूबसूरत हो सकती है। इन फ्यूचर इस पर्सन की लाइफ में अगर कोई इंपॉर्टेंस रखेगा तो वो आप ही हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इस रिश्ते में ये पर्सन आगे बढ़ेगा ना, तो आपसे खुलकर बात कर पाएगा, आपको अपने दिल की हर बात शेयर कर पाएगा, जो भी इस पर्सन की लाइफ में सीक्रेट्स हैं, इस पर्सन के सीक्रेट्स हैं, ये आपको बता पाएगा। तो इससे पहले कि ये पर्सन आपको अपने फेवर में नहीं ले लेता, आपका ट्रस्ट नहीं जीत लेता, तो ये पर्सन नहीं चाहता कि कोई अदर पर्सन आप दोनों के बीच में आकर इस पर्सन के बारे में आपको सब कुछ बताए। तो ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर ना, धीरे धीरे ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में आता जा रहा है जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें अभी स्लो होनी चाहिए ना, उनको स्लो ही रहना है। यानी कि ये पर्सन बहुत तेज़ रफ्तार से आगे नहीं बढ़ना चाहते, पर इस पर्सन को डर इस बात का है कि कहीं कोई और अदर पर्सन ना आप दोनों के बीच में ना आ जाए, कहीं ये पर्सन बहुत लेट ना कर दे, इसका भी डर इस पर्सन को है। पर ये पर्सन कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि जब तक ये पर्सन आपको अपने फेवर नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं करेगा। तो ऐसा ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन में जो अवेयरनेस आ रही है, जो जागरूकता इस पर्सन में आती जा रही है, जो मैच्योरिटी इस पर्सन में आ रही है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को और
धीरे धीरे जब ये पर्सन आपको समझता जा रहा है ना, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका साथ इस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, और हो सकता है कि ये एनर्जीज वाइस वर्सा हों, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं ये, क्योंकि व्यूअर्स ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं। सो खुले माइंड के साथ इस रीडिंग को सुने, इस बात का आपको हमेशा ही ख्याल रखना है। ओके व्यूअर्स, और यहाँ पर ना ये सारे ही कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में जो डर बना हुआ है वो आपको खोने का डर है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते, या फिर ये पर्सन इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपको लेकर कि आपको खोने से डर रहा है, और कुछ ना कुछ सामने आने का डर भी है इस पर्सन के दिल में, दिमाग में जो बातें चल रही हैं ना, वो इस पर्सन को ऐसी महसूस हो रही हैं कि आपका जानना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं पर्सन वो सारी बातें आपको बताना चाहता है इससे पहले कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो है ना और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएं। तो ये पर्सन चाहता है कि आपको सब कुछ बताए, पर कहीं ना कहीं बता नहीं पा रहा। अभी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि राइट टाइम नहीं है। तो कुछ सीक्रेट्स हैं इस पर्सन के जो सामने आने का डर है इस पर्सन को, और आज शाम ये पर्सन अपने फ्रेंड से इसके बारे में बातें भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने फ्रेंड से आपके बारे में बातें करते हैं, क्योंकि ये पर्सन इतना ज़्यादा ना चिंतित है, इतना ज़्यादा परेशान है कि अपना हाल दिल किसी को शेयर किए बिना रह भी नहीं पाता है। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी आपसे तो कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता, पर हाँ अपने फ्रेंड से शेयर करता है ये पर्सन, आपके बारे में बात करता है। क्योंकि धीरे धीरे जो जगह आपने इस पर्सन के दिल में बनाई है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि स्लो ही सही, पर ये पर्सन आपको अपने दिल में बसाता जा रहा है, आपके बिना रह नहीं पा रहा है। इस पर्सन को आपकी याद सताती है जब ये आपके साथ नहीं होते, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन ने आपको खो दिया ना, तो ये पर्सन शायद एक ऐसा व्यक्ति बनकर रह जाएगा कि शायद फिर किसी और को अपने दिल में बसा नहीं सकेगा, यानी किसी और को अपने दिल में वो जगह नहीं दे पाएगा जो आपकी है। तो कहीं ना कहीं ये डर इस पर्सन को है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है कि इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इस पर्सन की लाइफ में इतना स्ट्रेस इस पर्सन ने पहले कभी नहीं देखा। तो काफ़ी स्ट्रेस में है ये पर्सन। इस पर्सन को ऐसा भी महसूस होता है आपके लिए कि आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझते हैं, और कहीं कि आप इस पर्सन पर ट्रस्ट भी करते हैं, पर जो ट्रस्ट आपने इस पर्सन को दिखाया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो ट्रस्ट टूट जाए किसी अदर पर्सन की वजह से। तो आपके करीब आने से ये पर्सन किसी अदर पर्सन को रोकना चाहता है, ये चीज़ नज़र आ रही है, ताकि इस पर्सन के जो सीक्रेट्स हैं वो आपके सामने ना आएँ। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, इसीलिए ये पर्सन आज शाम भी आपके बारे में जो फील कर रहा है, जो सोच रहा है ना, वो अपने फ्रेंड से शेयर कर रहा है, आपके बारे में अपने फ्रेंड से बातें करता हुआ नज़र आ रहा है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने परसेंट ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू।